हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो आप में से काफी क्यूट गाइस ने मुझे आईजी पर डीएम किया है, मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज हमें ये बताओ कि जो जियोन जंगकुक है, क्या वो एड्रेस वाले मॉल में गए हैं शॉपिंग करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि इस समय किम तहयोंग पेरिस में है, एंड जो आर्मीज है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी जब उन्होंने किम तहयोंग को एयरपोर्ट पे देखा। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, उन्हें लगा था कि किम तहयोंग जियोन जंगकुक को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, एंड जियोन जंगकुक का जो परफॉर्मेंस होने वाला है फीफा अवार्ड शो में, वहाँ पे वी उनके साथ ही होंगे। मैं आपको बता दूं कि वी इस समय पेरिस में, आप में से सभी को पता चल गया होगा कि वी कहाँ पे है, लेकिन कल कुछ फोटोज बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया में, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो जियोन जंगकुक है, हमारे जो क्यूट बनी है ना, वो शॉपिंग करने के लिए गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ शॉपिंग किया एंड वहाँ पे बहुत से फैंस भी आए हुए थे। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे क्यूट सी छोटी सी आर्मी थी जिसने जो हमारे जियोन जंगकुक है उनको हाई बोला, एंड वहाँ पे जंगकुक ने उन आर्मी को नोटिस भी किए, यस, एंड उन्होंने बहुत ही लवली वाला स्माइल पास किया उस आर्मी को, एंड उन्होंने भी उनको हाई बोला। इसके अलावा बहुत से लकी फैंस थे जो कि जियोन जंगकुक को सामने से देख पाए, एंड मैं आपको बता दूं क्योंकि वहाँ पे शॉपिंग मॉल में बहुत से आर्मीज शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो सोचो कल का दिन उनके लिए कितना अच्छा हुआ होगा ना। एंड वहाँ पे बहुत से छोटी आर्मीज लाइक जो किड्स थे एंड बहुत से आर्मीज थे जिनको जो जियोन जंगकुक है उनके साथ फोटोज लेने का भी मौका मिला। गाइस, जियोन जंगकुक ने शॉपिंग मॉल में डांस किए, यू नो, गाने गाए एंड बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए। सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं क्या हुआ, सबसे मेन चीज ये हुआ कि जो आर्मीज थी वो इतनी ज्यादा मैच्योर थी कि उन्होंने जंगकुक को पर्सनल स्पेच दिए। आपको पता ही है कि कोई भी आर्मी हो, आप अपना ही बताओ मुझे रिएक्शन कि आपको अगर बीटीएस मेंबर दिख जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली शांत वाला तो होगा नहीं, एंड क्योंकि हमें बीटीएस मेंबर्स फैन साइन एंड कॉन्सर्ट में जाने के बाद भी बहुत मुश्किल से ही मिल पाते हैं, इवन हम बहुत दूर से देख पाते हैं। जब आपने वीआईपी सीट लिया होता है जो कि बहुत महंगा होता है, तभी आप आगे से देख पाते हो, सामने से देख पाते हो, एंड इस सिचुएशन में आपको कहीं चलते फिरते शॉपिंग मॉल में चाहे कहीं पे भी बीटीएस मेंबर दिख जाए तो शांत नहीं रह पाओगे। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, लेकिन जो आर्मीज थी वहां पे शॉपिंग मॉल में बहुत ही ज्यादा मैच्योर थी, उन्होंने जंगकुक को पर्सनल स्पेस दिया। ये बहुत ही यू नो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज होती है, बेशक वो आइडल है लेकिन उनकी भी पर्सनल लाइफ है। यहाँ तो मैं आपको बता दूं कि आपने से काफी क्यूटिपाइज ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि दी क्या जियोन जंगकुक पेरिस में गए हैं शॉपिंग मॉल में, मैं आपको बता दूं नो गाइस, जंगकुक अभी जिस देश में थे ना वहीं पे है, यस, वो कतार में ही है एंड वहीं पे वो ऑब्वियसली परफॉर्म करने वाले, तो वहां से कैसे जा सकते हैं। तो आप में से काफी क्यूटिपाइज कंफ्यूज थी, सो आई होप कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, एंड आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा ये जानने के जान के कि जो जंगकुक है बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बाय, टेक केयर।